Good morning students, class 2, your subject is English Reader और English Reader की हमारी book है My Scholarly Reader. Now let's start with the first lesson. Lesson first is The Little Seed, एक छोटा बीज. Now, which one of the following is not the part of the plant? It's just for enjoyment. इनमें से कौन सा plant का part नहीं होता, हमें उसको ऑप्टिक करना है. दैट इज एयर, फ्लावर, फ्रूट, लीव. हवा, फूल, फल या पत्ते. यू विल टेल दैट आंसर. ओके, इस आंसर को आप दोगे. नाउ लेट्स स्टार्ट. पुट अ लिटल सीड इनटू द ग्राउंड. एक छोटा सा बीज ग्राउंड में रखिए. वॉच इट ग्रो द होल ईयर अराउंड. और इसको पूरा साल ग्रो होता देखिए. फर्स्ट यू विल सी द शूट स्प्राउट. सबसे पहले आप क्या देखोगे? शूट स्प्राउट. शूट मतलब जब हम बीज को डालते हैं उसके कुछ दिन बाद एक छोटा सा पार्ट उसमें से निकलना शुरू होता है, उस पार्ट को हम बोलते हैं शूट. एंड स्प्राउट, स्प्राउट, व्हाट इज स्प्राउट? स्प्राउट मतलब अंकुर फूटना. जो बीज है वो फूटता है, उसमें से कुछ निकलेगा, उस पार्ट को हमने शूट स्प्राउट बोला है. देन द स्टेम ग्रो टॉल एंड स्टाउट. फिर उसके बाद जो हमारी स्टेम है, तना है, वो लंबा होगा. और स्टाउट मीन्स थिक एंड स्ट्रोंग, मोटा और स्ट्रोंग होगा वो. द सन एंड द रेन विल मेक इट स्ट्रोंग. सूर्य की किरणें और बारिश उसको स्ट्रोंग बनाएंगी. एंड सून द रूट्स ग्रो डीप एंड लॉन्ग. और उसकी जो जड़ें हैं वो बहुत लंबी और गहरी ग्रो करेंगी. देन द फ्लावर बिगिन टू शो. उसके बाद हमें फूल दिखना शुरू होगा. एंड द जूसी फ्रूट विल ग्रो. और जूसी फ्रूट है जो रसीला जो फल है वो भी ग्रो करेगा. लेट्स एन्जॉय द फ्रूट दैट्स ग्रोन. अब हम उस फ्रूट को एन्जॉय करते हैं जो ग्रो हो चुका है. फ्रॉम द लिटिल सीड यू हैव सोन. उस छोटे से बीज से जो आपने बोया था. सो इट इज़ द होल स्टोरी अबाउट अ स्मॉल सीड. बिल्कुल छोटे से सीड की एक स्टोरी है. कैसे पहले हम उसको ग्राउंड में डालते हैं, फिर उसमें से शूट स्प्राउट आता है. उसके बाद क्या है, उसकी जो स्टेम्स है वो लंबी और स्टाउट हो जाती है, स्ट्रॉन्ग हो जाती है. फिर वो हवा से स्ट्रॉन्ग बन जाता है, हवा और सूरज से स्ट्रॉन्ग बनता है. और उसके बाद उसकी जो रूट्स होती हैं वो डीप और लॉन्ग होती चली जाती है. और उसके बाद वहाँ से फ्रूट ग्रो होना शुरू होता है और हम उस फ्रूट को एंजॉय करते हैं. ओके, एंड योर होमवर्क इज यू हैव टू लर्न दीज फोर वर्ड्स, शूट, स्प्राउट, स्टाउट एंड सोन. ओके, यू विल डू दीज फोर ऑप्शंस, दीज फोर वर्ड्स बाय योरसेल्फ. ओके, एंड रिवाइज दिस चैप्टर 2. थैंक यू.